हेलो दोस्तों लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है मैं आपका दोस्त निशांत आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो एक नया लैपटॉप के साथ आज हम लेके आए हैं लिनोवो का न्यूली लॉन्च आई थ्री थर्टीन जनरेशन जी हाँ आज जो हमारे पास लैपटॉप है वो है लिनोवो का आइडिया पैड स्लिम थ्री जो आई थ्री थर्टीन जनरेशन में लिनोवो ने लॉन्च किया है आठ जी रैम है और पाँच सौ के साथ आज हम इस लैपटॉप को अनबॉक्स करेंगे कहीं मत जाइएगा वीडियो के अंत तक बने रहिएगा इसका बैक पैनल भी आपको ओपन करके दिखाएंगे तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं लेकिन आगे पढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा आगे भी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाएगा हम आगे भी जो नए नए लैपटॉप्स आते रहेंगे हम उनकी वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे और सबका बैक पैनल भी ओपन करके आपको दिखाते रहेंगे और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये और बता दूं कि ये लैपटॉप हमें लिनोवो ने प्रोवाइड कराया है जो करोलबाग लिनोवो एक्सक्लूसिव स्टोर है टेक्नोलॉजीज उसके थ्रू हमें ये चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं करते हैं लैपटॉप को अनबॉक्स तो दोस्तों अनबॉक्स कर लिया है जैसे कि हर बॉक्स में निकलता है मोस्टली प्रीमियम पावर कोड जो लिनोवो देता है साथ में एक सिक्सटी फाइव का पावर एडेप्टर विद राउंड पिन चार्जर के साथ अभी आई थ्री के अंदर टाइप सी अडेप्टर आना शुरू नहीं हुआ है लेकिन मैं चाहता हूं हो जाना चाहिए जो भी कंपनी पहले ले आएगी उसके लिए बेनिफिट रहेगा तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं लैपटॉप देखिए स्लिम थ्री लैपटॉप है वैसे तो फाइबर बॉडी में है लेकिन लिनोवो की जो बिल्ड क्वालिटी होती है वो काफी अच्छी होती है देखिए अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो कहीं से कोई कमी नहीं दिखाई देती जिस हिसाब से प्रोडक्ट है इनिशियल स्टेज का प्रोडक्ट है फिफ्टी थाउजेंड से ऊपर का नहीं है जैसे बेसिक लैपटॉप हम कहते हैं राइट स्लिम देखेंगे तो स्लिम भी काफ़ी है नाम भी इसका आइडिया पैड स्लिम थ्री है बैक पैनल देखेंगे बैक पैनल भी लेना ने थोड़ा सा चेंज किया है पहले उसी सिल्वर कलर में मोस्टली आता था अब थोड़ा सा ग्रेश कलर है ये वेंट है रबड़ के साथ आपको मिलता है तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसको ओपन करते हैं एक हाथ से ओपन नहीं होता बहुत लाप, कम लैपटॉप एक हाथ से ओपन होते हैं इसके अंदर मैनुअल्स जो है दोस्तों लैपटॉप को बुटअप करते हैं और देखते हैं उससे पहले हम देखते हैं इसमें कौन कौन से पोर्ट्स लेनोवो ने दिए हैं लैपटॉप के राइट साइड में जो पोर्ट्स दिए हैं फाइव पोर्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो सबसे पहला पोर्ट है वो है चार्जिंग का लैपटॉप को चार्ज करने के लिए जो सबसे पहला पोर्ट दिया है दूसरा पोर्ट है यूएसबी टाइप ए थ्री पॉइंट साथ में आपको मिलता है 1.4 HDMI आपके प्रोजेक्टर और एलईडी टीवी के लिए फिर आपको एक मिलता है यूएसबी टाइप सी 3.2 और उसके बाद 3.5 mm का ऑडियो जैक हेडफोन और माइक को कनेक्ट करने के लिए अगर मैं बात करूंगा लैपटॉप के लेफ्ट साइड की तो जो सबसे पहला पोर्ट आपको मिलता है वो है यूएसबी 3.2 और साथ में आपको मिलता है एक स्लॉट कार्ड रीडर का तो चलिए दोस्तों लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं لينોન ने आपको क्या-क्या दिया है इसमें सबसे पहले बात करेंगे प्रोसेसर की तो इस पर प्रोसेसर है 13 जनरेशन i3 1305u प्रोसेसर हमने पहले भी वीडियो बनाई थी उसमें भी i3 1305u थ्री थ्री प्रोसेसर था जिसकी बेस स्पीड 1.6 पॉइंट होती है और अगर हम टर्बो टर्बोबूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बात करेंगे तो 4.5 पॉइंट तक जाती है टर्बो बूस्ट होके इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका कोर्स जो पांच कोर है आप यह कहेंगे पांच कोर है तो ड्रॉबैक क्यों है देखिए पांच कोर में से अगर मैं परफॉर्मेंस कोर की बात करूंगा तो वो सिर्फ एक है चार जो है वो एफिशियंट कोर है तो जो फोर पॉइंट फाइव गीगा वो सिर्फ एक ही कोर जाएगा बाकी जो चार जाएंगे वो 3.3 पॉइंट तक ही जाएंगे टेन नैनोमीटर का इसका प्रोसेसर है लॉजिकल प्रोसेसर की बात करेंगे तो वो भी छ है अगर एल थ्री की कैशे की बात करेंगे तो वो दस एम बी की है तो आइए दोस्तों आते हैं मेमोरी पे देखिए आठ जीबी की रैम है एल पी डीडी फाइव इसके अंदर आपको मिलती है फोर्टी एट हंड्रेड मेगा रहा है तो मैं आपको बता देता हूं इसमें इसमें इनबिल्ट मेमोरी है शोल्डर रैम जिसको हम कहते हैं अभी लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करेंगे आपको एक बार दिखाएंगे इसके अंदर आ, रैम की चिप्स लगी हुई हैं जो आप रिप्लेस नहीं कर सकते तो डिस्क की बात करते हैं पांच जीबी की इसमें एस है जिसकी कैपेसिटी आपको 477 जीबी की आपको मिलती है ग्राफिक्स की बात करेंगे तो इंटेल यूएसडी ग्राफिक्स है इसके अंदर इंटेल का प्रोसेसर है इसके अंदर कोई भी अपनी मेमोरी नहीं होती है इसके प्रोसेसर में ग्राफिक्स के लिए टोटली शेयर ग्राफिक्स है थ्री पॉइंट जीबी का टोटल भी आपका थ्री पॉइंट जीबी जैसे के प्रोसेसर में होती है अपनी पांच सौ या टू जीबी की ग्राफिक्स की मेमोरी वो इंटेल के प्रोसेसर में नहीं होती है अगर हम इसके वाईफाई की बात करेंगे तो दिखाता नहीं अभी वाईफाई इसमें सिक्स है और ब्लूटूथ इसमें आपको मिलेगा 5.1। ये कॉन्फ़िगरेशन की वॉइस अभी जो आप सुन रहे थे वो हमने इसी लैपटॉप के माइक से रिकॉर्ड करी थी जिससे आपको ये पता चल जाए कि

देता है तो दोस्तों समय आ गया लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करने का तो ये बैक पैनल ओपन करते हैं और इसके पोर्ट्स देखते हैं दोस्तों लैपटॉप हमारा ओपन हो गया है चलिए देखते हैं ये है हमारा प्रोसेसर जो हीट सिंक के थ्रू कनेक्टेड है फैन के साथ देखिए ये हमारा मदरबोर्ड है और फैन जो लगा हुआ है वो उस जगह पे लगा हुआ है जहां पे हमारा मदरबोर्ड नहीं होता इसीलिए इसकी थिकनेस थोड़ी सी कम हो जाती है आइए बात करते हैं एस की जो एस एस डी यहाँ पे लगी हुई है इसको आप अपग्रेड कर सकते हैं ये है वाईफाई जो हमने बताया था आपको अब बात करेंगे रैम की रैम हमने बताया था सोल्डर रैम है जिसको आप अपग्रेड नहीं कर सकते इस पर कवर लगा हुआ है इस कवर के नीचे रैम की चिप्स लगी हुई है इसको आप अपग्रेड बिल्कुल भी नहीं कर सकते बात करेंगे बैटरी की देखिए बैटरी है फोर सेल की बैटरी है फोर्टी सेवन वर्क आवर्स के साथ आपको लिनो की बैटरी ये मिलती है देखेंगे ये है सीमो सेल जो टाइम और डेट इसी के थ्रू हमेशा ऑन रहता है चाहे आपका लैपटॉप बंद भी हो तब भी आपका टाइम इससे कंट्रोल में रहता है ये देखिए ये है यहां पे आपको स्पीकर मिल जाता है दोस्तों आज हमने अनबॉक्स किया लेना वो आइडिया पैड स्लिम थ्री हमने कॉन्फ़िगरेशन थ्री देखी इसकी आई थ्री है थर्टीन जनरेशन में आठ जीबी रैम पाँच सौ बारह जीबी एस एस टी के साथ ठीक है थर्टीन जनरेशन में ये याद रखिएगा हमेशा कभी भी लेते हुए प्रोसेसर का जरूर ध्यान रखिएगा ये तेरह सौ पांच क्यू प्रोसेसर है और तेरह सौ पंद्रह भी आता है दोनों में डिफरेंस है ये आप हमेशा चेक कर, चेक करिएगा जब भी आप लैपटॉप लेने जाए और ये अपने माइंड में भी हमेशा ध्यान रखिएगा दूसरा इसके साथ आपको विंडोज इलेवन होम सिंगल लैंग्वेज लाइफ टाइम के लिए मिलता है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 होम एंड स्टूडेंट एडिशन भी आपको लाइफ टाइम के लिए मिलता है काफ़ी लोगों की कन्फ्यूज़न होती है कि होम एंड स्टूडेंट ऑफिस में क्या है क्या नहीं है देखिए मैं आपको ये कंफर्म कर दूँ कि इसके अंदर आपका वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट वन नोट आपको लाइफ टाइम के लिए मिलते हैं अगर आपको एमएस एक्सेस की जरूरत है या आउटलुक की जरूरत है तो वो आपको इसमें नहीं मिलेगी वो उसके लिए अलग से माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल या अल्टीमेट आते हैं लेकिन ये होम एंड स्टूडेंट है इसमें आपको ये नहीं मिलता है देखिए यूसेज की बात करूं तो आपको अगर इन सब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किसी भी टूल पर वर्किंग करनी है आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है या आपने कोई भी मीटिंग करनी है कैमरा बड़ा अच्छा है हमने जैसे इसका देखा अगर हम ये कहेंगे 15.6 इंच का कीबोर्ड है इसमें न्यूमेरिक की भी आपको मिलता है तो अगर आपने अकाउंटिंग भी करनी है तो उसके लिए भी ये परफेक्ट लैपटॉप है आपने कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे मोस्टली जो मार्केट में पॉपुलर होते हैं टेली हो गया बिजी हो गया वो सब आप इस लैपटॉप पर ईजीली रन कर सकते हैं लेकिन ये याद रखिएगा अगर आपको एडिटिंग का काम करना हो तो एडिटिंग आप नहीं कर पाएंगे आप कोडिंग और प्रोग्रामिंग अगर बेसिक लेवल की करनी हो तो आप इस पर कर सकते हैं लेकिन मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा कि अगर आपने कोडिंग और प्रोग्रामिंग के लिए लेना है तो आप ये लैपटॉप चूज करें उसके लिए आई या गेमिंग सीरीज होती है आप वो लैपटॉप ले सकते हैं देखिए इस लैपटॉप की जो सबसे खास बात मुझे लगी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं सबसे खास बात जो है इसकी वारंटी जी हाँ लेना वो पहले टू ईयर्स की ऑन साइट वारंटी देता था लेकिन वो एक्सीडेंटल नहीं होती थी लेकिन लिनोवो ने एक साल की वारंटी इसमें कर दी है लेकिन इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट लिनोवो ने दिया है वो है एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन का इस लैपटॉप के साथ आपको एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन भी मिलेगा जी हाँ याद रखिएगा एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन यानी अगर एक साल तक आपका लैपटॉप डैमेज भी होता है स्क्रीन भी टूटती है बॉडी टूटती है आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है जस्ट आप लिनोवो पे कॉल करिए लिनोवो विदाउट एनी चार्जेस रिप्लेस करके देगा इस लैपटॉप की मुझे बहुत अच्छी खास बात लगी अगर हाँ आप इसको एक्सटेंड भी करना चाहते हैं अगर आप एक साल से दो साल तीन साल भी करना चाहते हैं तो जब भी आप एक्सक्लूसिव स्टोर पर जाएंगे तो आप जरूर पूछेगा उनके एग्जीक्यूटिव से कि आप कितने एक्स्ट्रा पैसे लेके आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल प्राइसिस है जो लेना वो चार्ज करता है आपको और तीन साल एक्सीडेंटल डैमेज प्रोडक्शन दे सकता है मेरे ख्याल से ढाई तीन हजार एक्स्ट्रा लेगा लेकिन आपको तीन साल के लिए आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है और मैं हमेशा यही कहता हूं आज भी यही कहूंगा कभी भी एक्सटेंडेड वारंटी लेनी हो या एक्सीडेंटल डैमेज प्रोडक्शन लेना हो तो हमेशा लिनोवो की साइट से या लिनोवो के एक्सक्लूसिव स्टोर से ही लीजिएगा बाकी जगह से अगर आप लेंगे तो मे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप प्राइसेस की भी बात करेंगे तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस है इन्हो ने इसका रखा है अप्रोक्सीमेटली 45,000 का यह लैपटॉप आपको मार्केट में मिल जाएगा जी हां आई थ्री में थर्टीन जनरेशन लैपटॉप आपको 45,000 के आसपास मार्केट में मिल जाएगा वारंटी हम आपको इसकी बता ही चुके हैं ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा अगर पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और हाँ जो दोस्त हमारे साथ नए जुड़े हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं उनसे यही कहूंगा हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आगे आने वाली नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए आगे भी हम नए नए लैपटॉप की वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे और हमेशा कोशिश करेंगे कि लैपटॉप का बैक पैनल भी ओपन करके आपको दिखाएं जिससे लैपटॉप के बारे में आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में नए लैपटॉप के साथ जब तक के लिए जय हिंद